Gorikha, the India Jandala. The moon that I owe Abuanina Wagastele, or Tasu Yakin Kaya Aga Garib Sareo, or Diki the India Jande, Eda Potina Budiha, Tasu Gore. इंडिया करते हो अपने जान से भी ज्यादा इतना प्यार क्यों करते हो आप हिंदुस्तान से? क्योंकि हमारा दोस्त है ना, दोस्त है, भाई है हमारा, भाई है। कुरानी है, इनकी मेजबानी तो पाकिस्तान ने की है, लेकिन आप देखें इनकी मोहब्बत इंडिया के साथ है। जो पाकिस्तान ने पिछले एक साल पहले ये एक डिसीजन लिया है कि जो अफगानी है उन्हें पाकिस्तान से निकाला जाए, तो वो बहुत अच्छा डिसीजन है। पाकिस्तान से नहीं, हिंदुस्तान से प्यार करते हो और पला बहुत सारी बातें इसने की है, तो इसके लिए सिर्फ एक वर्ड का रिप्लाई है कि प्यार जो है वो दिल में होना चाहिए, वो दिल से बनता है। अफगानी इस तरह करते हैं कि वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं और पाकिस्तान से वो इंडियन झंडे लेके आते हैं और ये वो कर देते हैं इस तरह कि मतलब मेरी कुछ फ्रेंड्स थे जो इलाके में, हम जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता था तो वो अक्सर इंडिया को सपोर्ट करते थे ना। अगर मैच जीते और अफगानिस्तान जीते तो कौन जीता? बस वो आपस में कजन है, वो जो सा मर्जी जीत गए, खुशी दोनों को होती है। ये देख ले दोस्तों, ये बड़ा वाजिया इमेज कि हमने वहाँ की हुकूमत को बनाने में मदद करके हमने तालिबान को इंस्टॉल किया है। डबल स्टैंडर्ड यही है कि अब अफगानिस्तान के सफीर को पाकिस्तान में जो तैनात था हमने उसको अमेरिका के हवाले किया, वो नहीं चाहेंगे, वो उनकी सुपीरियरिटी को, उनकी सॉवरेनिटी को टेस्ट नहीं पहुंचेगा, वो हमसे नफरत नहीं करेंगे तो और क्या। हमने अफगानियों के साथ अभी तक जो कुछ किया वो अच्छा किया है? मुझे तो नहीं लगता हमने अच्छा किया है। हमने शायद उनको मारा भी है, उनको मारने के पैसे भी लिए। श्रीनगर को दुनिया का सारा वीज़ा मिलता है, हमें कोई वीज़ा नहीं मिलेगा, इसलिए कि हम रिवोल्टर इतने हुए हुए तो हमारे हालात तो उनसे ज़्यादा ख़राब है। हमें ट्रक की बजी के बजाय कश्मीर कश्मीर कश्मीर, अब तो कश्मीरी भी कहते हैं भाई हमें ना बुलाओ, आपकी मेहरबानी, आप वही ना हम यहाँ। जय हिंद दोस्तों, गरीब किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के घर में से निकला भारत का झंडा, यानी कि पाकिस्तान में रह रहा एक अफगानी के घर में जो है वो तकिए के अंदर जो है भारत का झंडा निकला है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान हो चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया में इसका चर्चा खूब चल रहा है। दोस्तों जो पाकिस्तान के घर में जो निकला है झंडा, वो पाकिस्तानी नहीं है बल्कि एक अफगानी है, अफगानिस्तान का रहने वाला व्यक्ति है, जो अपने तकिए के अंदर जो है भारत हिंदुस्तान का झंडा बना कर रखा हुआ है और वो बोल रहा है कि भारत से बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत है, जिसको लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में इसको खूब ट्रोल किया जा रहा है। उस बच्चे बंदे को जो है गिरफ्तार भी कर लिया गया। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि अफगानिस्तान और भारत का रिलेशन बहुत ही बढ़िया है, आपको मालूम होगा बहुत ही पुराना जो है ये रिश्तेदारी समझ ले चल रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान और भारत में काफ़ी ज़्यादा मेलजोल है और बिलियंस ऑफ ट्रेड भी होता है और भारत भी जो है हर बार जो है अफगानिस्तान का जो है मदद करता रहा है। दोस्तों आपको मालूम होगा तो हमने अमेरिका को अड्डे क्यों दिए थे उनके बारे में, और जब से उनके दिलों में नफरत है पाकिस्तान के लिए। तो ये पकड़े ना परवेज मुशर्रफ को जिसने अड्डे दिए, हमने तो नहीं दिए, नहीं है ना पाकिस्तान में हुकूमत और अवाम और एक बंदा करे पूरा पाकिस्तान बदनाम। उस टाइम तो अवाम ने भी ये बोला था कि नहीं अड्डे देने चाहिए थे, वो हमारे जो है ना भाई हैं और हम अब भी कहते हैं, पर देखे पाकिस्तान से जितना डॉलर है उधर गया है अफगानिस्तान में या उधर से इधर आया, कुछ इन्होंने नेशनैलिटियाँ दी यहाँ पर दो नंबर तरीकों के साथ उनको जो है ना रेजिडेंस दिए रहने के लिए। अब इन्होंने 4 लाख वहाँ पर पेशावर में रेजिडेंस दिया था उनको, अब वो इन्होंने आर्मी चीफ साहब ने ऑर्डर किए कि इनको जो है ना यहाँ से निकाला जाए, हमारे बुलेट से निकल जाए, अब वही बदला वो फिर दोबारा से ले रहे हैं। तो हमारे देखिए जैसे ही हमने उनको निकाला वहीं इंडिया ने उनको राह दी कि आ जाओ हमारे मुल्क में आके पनाह लो। दूसरी जानब अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए हैं, अभी तालिबान की गवर्नमेंट जब से आई है हमने मिठाइयाँ बांटी लेकिन तालिबान तो इंडिया के हो गए। क्या समझते हैं इंडिया के साथ ताल्लुकात क्यों बेहतर होते जा रहे हैं उनके? सारी दहशतगर्दी करो नहीं तो अफगानिस्तान की जो दोस्ती है इंडिया के लिए बड़ी अच्छी है, उनसे मोहब्बत भी करते हैं, उनके मुल्क में भी जाने की कोशिश करते हैं। वो तो उनके कजन है, सके कजन है ना, कजन है आ? इंडियन कब से अफगानिस्तान के कजन हो गए? वो तो बहुत देर से उनके कजन है। सके क्या बात कर रहे हो? रियली सचमुच दोनों कजन हो? पाकिस्तान अफगानिस्तान कजन है। पाकिस्तान पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करें तो इनमें कैसा रिश्ता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में? बस सही है, अगर सही चलोगे तो सही चलेगे। वो भी अगर देखो अभी कुछ देर एक दो महीने पहले जो रोला हुआ था ना उसके इलाज से अब तो खराब हो चुके सब कुछ। वो जो अफगानिस्तानी जो यहाँ से निकाले गए अभी तुम कह रहे हो ना कि इंडिया और अफगानिस्तान क्यों कजन है, अभी इसमें पता है देखो
इंडिया का नहीं है वीजा, अफगानिस्तान में 2 दिन में फिक्स आपको दे देते, 3 महीने का फ्री। इंडिया वाले अफगानिस्तान को वीजा जल्दी दे देते, फ्री। और पाकिस्तान में 40 दिन 1-2 महीने बाद वीजा देते हैं, वो भी बड़े मुश्किल से। अब ना जो अपने अफगानी है उनसे इस वक्त ना अपनी पड़ी हुई है ब्रेड एंड बटर की। जब बंदे को अपने खाने पीने की चीज़ें चाहिए हो ना और जहाँ से उसको पैसा आता हो वो उसी की साइड लेता है, ठीक है। पाकिस्तान में ये अपना अफगानी भी कमा रहे हैं लेकिन इंडिया से उनको ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है। वहाँ से वो अच्छा वहाँ से ले रहे हैं। अब अफगानिस्तान इंडिया को इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि अब देखें ना, जब पाकिस्तान में जब अफगानी आते हैं फिर बाद में जब वो थोड़ी कि उनके जब काम ख़राब होते हैं फिर पाकिस्तान उनको कोसते हैं, वो कहते हैं कि हम काम ही ख़राब करें और हमें कोसा भी ना जाए, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि पीछे एक बड़ा लफ्ज़ कह लें कि काफ़ी वायरल हुआ था, नमक हराम, शायद आपको आइडिया हो, ठीक है। अफगानियों को ये कहने लग पड़ते हैं, ये कहना बहुत सारा गलत है। इस लफ्ज़ की बनावे जो अपने अफगानी हैं उन्होंने पाकिस्तानियों को कह लें कि बहुत बड़ा बुला कहना शुरू कर दिया और कह लें कि अभी पाकिस्तान को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे, और इसके पीछे इंडिया बहुत बड़ा कह लें कि अपना उसका हाथ है कि अफगानियों को पाकिस्तान के खिलाफ करने का। वो कैसे अफगानी बच्चे हैं? अफगानी बच्चे तो नहीं है मैडम, लेकिन देखें ना पठान कौम है ना, ठीक है। इतना तो वो दिमाग तो उनमें भी हमारे जितना है, बल्कि हमसे एक्स्ट्रा ही है। मैम एक्स्ट्रा तो है, ठीक है, वो कह लेंगे, लेकिन आपके सामने वहाँ की जो अपना लिटरेसी रेट है, पढ़ लिखी कौम है, उनको मैंने अभी देखे ना, अभी भी वो आज़ाद हुआ है, ठीक है। अभी उनको जरूरत है पैसे की, अभी उनको अपना मुल्क चलाना है, ठीक है। अभी पाकिस्तान के अपने इतने हालात नहीं आए कि वो खुद को सपोर्ट कर सके, उनको क्या सपोर्ट करेगा। लेकिन इंडिया के पास बिजनेस ज़्यादा है, इंडिया के पास कह लेंगे अपना बिजनेस के मौके ज़्यादा हैं और उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर किसी मुल्क की जितना मर्जी उसको इमदाद भी कर दे और उसको जितना मर्जी कर्जा भी दे, वो इंडिया इस वक्त क्योंकि पावर में है। तो इसलिए अपने जो अफगानी है वो मदद के लिए इंडिया को पुकार रहे हैं और इंडिया उनसे अपना काम निकलवा रहा है। अफगानी रिफ्यूजीज पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं और अफगानी रिफ्यूजीज इंडिया के अंदर भी मौजूद हैं। पाकिस्तान से ये बोला गया था कि हम अफगानियों को बाहर निकाल देंगे, जिस पर अफगानिस्तान से काफ़ी ज़्यादा हेट मिली थी। और इवन अगर हम अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं, एक प्लेयर है राशिद खान, उन्होंने भी काफ़ी नफरत का इजहार किया था कि भाई हमारे लोगों को क्यों बाहर निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो मेरी जीत है वो मैं पाकिस्तान के अंदर जो हमारे रिफ्यूजी मौजूद हैं उनके नाम करता हूँ। तो मुझे ये बताएगा, इंडिया ने तो नहीं कहा कि वो बाहर निकलें, अब मुझे ये बताएं हम अभी तक हमने इकोनॉमिकली कितना स्टेबल किया है अफगानिस्तान को? उनको एग्रीकल्चर में ज़रूरत थी कुछ चीज़ों की, हमने नहीं भिजवाई। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, उन्होंने इकोनॉमिकली कितना सपोर्ट किया? मैडम देखिए ना, मैं वही बात करूँगा, पाकिस्तान आप कह रही कि उन्होंने अफगानिस्तान रिफ्यूजीज़ को सपोर्ट क्यों नहीं किया, पहले पाकिस्तान जो उसके अपने सिटीजन उनको सपोर्ट कर ले। पाकिस्तानियों को इस बात के लेकर के मिर्ची लगी गई है कि ये पाकिस्तान अफगानी जो है पाकिस्तान में रहकर जो है भारत का झंडा आखिर में अपने जो है तकिए के अंदर क्यों लगा के रखा है, इस बात को लेकर पाकिस्तानियों के अंदर जलन की भावना दिखाई दे रही है दोस्तों भारत के प्रति। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ उस बंदे को गिरफ्तार भी कर लिया गया दोस्तों, हालांकि उसमें जारी कि उसमें कोई गलती नहीं है, वो धर्म के नाम पे चाहे वो जात के नाम पर किसी तरह का भेदभाव नहीं रखता है, बेचारा बहुत ही बढ़िया आदमी था। अफगानिस्तान जो है वो भारत का बहुत ही अच्छा रिलेशन है, बल्कि पाकिस्तान से नहीं बनता है जितना अफगानिस्तान से बनता है दोस्तों। पहले पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के बहुत सारे लोग थे जिसमें पाकिस्तान के लोगों ने उसे भगा दिया। अभी मीडिया में न्यूज़ चल रहा है, देखिए ये रिपोर्टर पूछ रहा है तो पाकिस्तानी बोल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर तो अफगानियों को रहना ही नहीं देना चाहिए, उन्हें भगा देना बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया। इस तरह का जो है बयानबाजी करते नजर आ रहा है सोशल मीडिया पर, आप देख रहे हैं वीडियो में दिखाई देता अभी होगा आपको किस तरह की लोगों की मानसिकता है। ये लोग जितने पहले अफगानिस्तान और तालिबान में जब युद्ध हुआ था तो लाखों के तादाद में शरणार्थी बनकर जो है वो पाकिस्तान आए हुए थे अफगानी, जो यहाँ 30 से 35 साल तक जो है वो रहे यहाँ पर। लेकिन बाद में जो है जब पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म बढ़ने लगा तो बिना मतलब के पाकिस्तान की सरकार ने जो है उन लोगों पर आरोप लगाना चालू कर दिया कि अफगानी जो पाकिस्तान में रह रहे हैं यही दंगा फसाद करा रहे हैं। इसके चक्कर में जो है इन लोगों को जो है पाकिस्तान से निकाल दिया गया। जिन लोगों के निकालने के बाद ही जो है पाकिस्तान और तालिबान के अंदर जो है दुश्मनी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती नज़र आ गई, क्योंकि पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी बनता था लेकिन जब से अफगानियों को भगाए पाकिस्तान से तब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो है 36 का आंकड़ा चल रहा है दोस्तों, आपको मालूम होगा।